चित्तौड़गढ़ में बोल रहे थे मोदी, उसी वक्त चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के बीच रची गई थी साजिश। राजस्थान को दहलाने का था प्लान, मोदी के वंदे भारत को पलटने की रची गई थी चाल। पत्थर रखकर प्लान करना था कामयाब, लोको पायलट की सूझबूझ ने बचा ली सबकी जान। वंदे भारत से ये कैसी नफरत, कभी पत्थर से हमला तो कभी रेलवे ट्रैक तोड़ा। सोमवार 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे, जहां पर वो आगामी चुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले चित्तौड़गढ़ में उनका भव्य तरीके से स्वागत भी हुआ, लेकिन जिस चित्तौड़गढ़ में मोदी बोल रहे थे, वहीं से कुछ दूर पर चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच बड़ी साजिश रची गई थी। वो तो गनीमत रही कि वक्त रहते नजर पड़ गई, वरना बड़ा अनर्थ हो जाता। दरअसल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा रेलवे ट्रैक पर सोनियाना और गंगरार के बीच एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर कुछ बदमाशों ने पत्थर रख दिए थे। यहीं से वंदे भारत ट्रेन को गुजरना था, मतलब बहुत कुछ सोच समझ कर साजिश रची गई थी। हालांकि अचानक लोको पायलट की नजर ट्रैक पर रखे पत्थरों पर पड़ गई, जिसके बाद लोको पायलट ने बहुत समझदारी से काम लेते हुए वंदे भारत ट्रेन को रोक दिया और ट्रैक से पत्थर हटाए जाने के बाद ट्रेन को दोबारा रवाना किया गया। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरीके की नापाक साजिश रची गई है। ऐसे तमाम मामले सामने आ चुके हैं, जिससे साफ पता चलता है कि इस तरह की साजिशें रचकर देश को दहलाने की आतंकी कोशिशें होती रही हैं। वैसे भी वंदे भारत ट्रेन से पता नहीं कुछ लोगों को क्या चिढ़ है, क्योंकि कभी बंगाल में वंदे भारत पर पत्थरबाजी हो जाती है तो कभी उत्तर प्रदेश में। इसी तरह राजस्थान में भी वंदे भारत ट्रेन के दुश्मन पैदा हो चुके हैं। बीजेपी सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, चित्तौड़गढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और कांग्रेस कुशासित राजस्थान में कुछ अराजक तत्वों ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को डिरेल करने की साजिश रची। गनीमत रही कि ये साजिश नाकाम हो गई, वरना बड़ी तबाही मच सकती थी, कई लोगों की जान जा सकती थी। आखिर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से इतनी नफरत क्यों? हमारे देश की प्रगति से इतनी ईर्ष्या करने वाला कौन है? राजस्थान पुलिस द्वारा तत्काल जाँच की जानी चाहिए और अपराधियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। इसके अलावा बीजेपी नेता अरुण यादव ने भी इस पर लिखा है, भीलवाड़ा के पास उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को सुनियोजित तरीके से पटरी से उतारने की साजिश, ये विनाशकारी हो सकता था। वंदे भारत ट्रेन पर हमला, विशाखापत्तनम में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई थी। पश्चिम बंगाल में हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना देखने को मिली थी। बिहार के कटिहार में न्यू जलपाईगुड़ी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस पर अज्ञात बदमाशों ने पथराव किया था। पश्चिम बंगाल के मालदा में भी हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया गया था। छत्तीसगढ़ के दाधापारा में भी वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ था। नागपुर से बिलासपुर आ रही वंदे भारत पर पथराव किया गया था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जाते समय वंदे भारत ट्रेन पर हमला किया गया था। वंदे भारत पर होते हमलों की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। पता नहीं वंदे भारत नाम से कुछ लोगों को चिढ़ क्यों हो गई है, इसीलिए आए दिन इसी तरीके से साजिशें रची जा रही हैं। कभी पत्थर मारते हैं तो कभी रेलवे ट्रैक तोड़ते हैं। ऐसे में इस तरह के दुश्मनों का इलाज करना बेहद जरूरी है, क्योंकि हादसे को टालना है तो ऐसे नापाक इरादे वालों को ठिकाने लगाना होगा।